सर हम लोग प्योर घी में बनाते हैं जी, सब्जी हो जो भी हो आइटम। हम लोग कहाँ से हैं? हम लोग पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिला। पुरुलिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीवी सिन्हा ब्लॉग में। उम्मीद करते कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ की। और दोस्तों अभी मैं खड़ी हूँ कांवड़िया पथ पर, आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है कांवड़ यात्रा करते हुए बावन नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही उत्साह के साथ बढ़ रहे हैं। और अभी जो है सावन के बहुत दिन अभी बाकी हैं, क्योंकि 30 अगस्त तक अभी सावन है। और ऐसे में जो है कांवड़िया पथ पर बहुत सारे जो है शिविर जो है उनका जो सेवा है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत सारे शिविर जो है आपको नए मिलेंगे कांवड़िया पथ पर। ठीक है, निःशुल्क सेवा शिविर जो है बहुत सारे समाप्त भी हो चुके हैं, तो बहुत सारे नए बन भी रहे हैं। तो अभी मैं खड़ी हूँ सरासनी खिजुड़िया के पास, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एक नया शिविर जो है यहाँ पर निःशुल्क सेवा शिविर जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो क्या कुछ यहाँ पर जो है व्यवस्था मिलेगी कांवड़िया लोग को, तो चलिए अंदर चलते हैं और वो मैं पूरा जो है आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो आप लोग जो है ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो इस प्रकार से मैं देखिए आपको बैक कैमरा करके यहाँ पर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं महाकाल श्रावणी सेवा, ठीक है, श्रावणी मेला सेवा शिविर औरंगाबाद बिहार। ठीक है, और यहाँ पर जो है सभी सेवाएं जो है निःशुल्क मिलेगी आपको कांवड़ियों लोगों को। और देख सकते हैं इस तरीके से बाहर में जो है कांवड़ रखने के लिए पूरा जो है स्टैंड यहाँ पर बना हुआ है कांवड़ियों के लिए। ठीक है, इधर डस्टबिन भी है। तो ये कुछ ऐसा बाहर का जो है आपको मैं दिखा रही हूँ, और इस शिविर में आपको जो है क्या क्या सुविधा मिलेगी वो सब यहाँ पर जो है दिया हुआ है। और ये कब से कब तक शिविर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कब तक सेवा जो इसका जो है चलेगा शिविर का, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। देख सकते हैं 1 अगस्त से 30 अगस्त तक जो है यहाँ पर आपको सेवा मिलेगा, निःशुल्क सेवा। और क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी, नींबू पानी, चाय, फलाहारी, नाश्ता, खाना, दवा, एम्बुलेंस एवं ठहरने का उत्तम प्रबंध। ठीक है, तो इतना जो व्यवस्था है जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है इस शिविर का एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था जो है आपको यहाँ पर जो है आपको निःशुल्क मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बम जो है यहाँ पर बाहर में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। तो शिविर की तरफ से यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टॉल अभी लगाया गया है, ठीक है, चाय पानी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बम जो है विश्राम करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है चाय पानी के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाया जा चुका है। देखिए, तो बहुत ही अच्छे से उनका सेवा किया जा रहा है, उनको पूछ कर जो है उनको चाय पानी के लिए जो पूछा जा रहा है उनको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जब शिविर में आप अंदर आएंगे तो देख सकते हैं इधर सबसे पहले जो है यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर भोलेनाथ का जी जो है फोटो है, गणपति जी हैं। ठीक है, तो सब भगवान का माता जी का भी है। ठीक है, सब पर दर्शन करने के बाद जो है आगे बढ़ते हैं, और इधर भी आप देख सकते हैं कि स्टेज भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलता है सुबह के टाइम में, और शाम में भी जो है यहाँ पर प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शिविर में मनोरंजन की भी जो है व्यवस्था कांवड़ियों के लिए यहाँ पर की गई है। ठीक है, और यहाँ का स्पेस आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है, इस प्रकार से देख सकते हैं बम लोग यहाँ पर जो है अभी आ भी रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बाहर में आपको दिखाया कि अभी जो है शाम का जो है चाय पानी अभी चल रहा है, बम लोग यहाँ पर बाहर में भी चाय पानी कर रहे हैं, और जिनको अंदर आने का मन है अंदर आके भी जो अपना है जो है आराम कर रहे हैं। यहाँ पर खाने की व्यवस्था है बम लोगों के लिए, कांवड़ियों के लिए, और काफ़ी साफ़ सुथरी है, देख सकते हैं साफ सफाई का भी जो है पूरा ख्याल रखा गया है। और इधर खाने पीने के लिए देख सकते हैं इस प्रकार से एक अलग साइड से इस तरीके से बनाया गया है, देख सकते हैं इधर कुर्सी टेबल सब लगा हुआ है खाने पीने के लिए, इधर देखिए, तो इतना स्पेस जो है खाने पीने के लिए है। और इधर जब अंदर आएंगे तो इधर जो है जो खाना बनाया जाता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ बम लोग के लिए जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन जो यहाँ पर तैयार होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मिट्टी का चूल्हा आपको दिख रहा होगा बड़ा सा, तो इधर जो है खाना जो है बनना शुरू हो गया है, देख सकते हैं इस प्रकार से इधर जो है खाना बनता है। भोजन हम लोग प्योर घी में बनाते हैं जी, सब्जी हो जो भी हो आइटम, और हम कोशिश करते हैं कि हर डे चेंज करें जी। हमारा मोटो यही है कि आज जैसे कचौड़ी सब्जी बनाया तो कल जैसे हम
क्या बोलते हैं इडली बना दिए, परसों सांभर बना दिए, इस टाइप का मतलब हमेशा चेंज, मतलब मेन्यू मतलब चेंज कर करके अपना खाना जो है आइटम चेंज करते रहते हैं। और फलाहारी में जो है क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? फलाहारी में यहाँ पर हम शुद्ध सिंघाड़ा का हलवा होता है जी, केला होता है, सेब होता है, मूंगफली होता है और दूध, ठीक है ना जी। जो दूध जो बुजुर्ग सुबह के नाश्ते में भी कुछ देते हैं जी, सुबह के नाश्ता में कचौड़ी जी और सब्जी नॉर्मल, और चाय पानी तो फिर आप चाय पानी तो दिन भर चलता है वो कंटिन्यू, मतलब रात के 10 बजे 12 बजे तक भी आपको कोई उसमें चाय पानी में प्रॉब्लम नहीं। और चाय का काउंटर बाहर लगाते हैं हम लोग, शरबत भी वहाँ पर बनता है बनता है। और ये जो जो होता है शरबत में हम लोग चीनी का कम मात्रा डालते हैं, इसलिए कि आजकल अमूमन आदमी शुगर पेशेंट है तो हमारे यहाँ शरबत को आप शिकंजी कर सकते हैं, नींबू शिकंजी। और अगर आप ऐसे तो लोग कहते हैं कि सुल्तानगंज से देवघर के बीच में ऐसा शरबत नहीं मिला जी, ठीक है ना, तो मतलब काफी पसंद किए हम लोग। और ये जो प्रोग्राम का जो मैं अभी मैंने दिखाया जो स्टेज है आपका बना हुआ जी, इसका प्रोग्राम का कुछ टाइमिंग है क्या? जी प्रोग्राम का शाम को 7 बजे आरती का होता है जी, आरती प्रोग्राम के थ्रू होता है और जस्ट प्रोग्राम के बाद फिर भजन संध्या का कार्यक्रम होता है जो कि 10:30-11 तक चलता है, जैसा भीड़ होता है वैसा। और यहाँ जो है दिन में खाने का भी जो व्यवस्था है? हाँ दिन में खाने का सुबह तो नाश्ता हो गया, नाश्ता 12 बजे तक चलता है जी, और 12 बजे के बाद जो है खाना शुरू हो जाता है। और रात का खाने का जो टाइम है? रात का खाना का जब तक बम आए तब तक अमूमन हम लोग 11:30 तक रखते हैं खाना, तो आप 2 बजे भी आइएगा तो भी मिलेगा जी, लेकिन 11 बजे तक हम लोग पूरा एकदम विधिवत जो है जो भी माता है जो भी ठहरता है हम लोग। इसके अलावा हमारा शिविर जो धूम्रपान निषिद्ध एरिया में है, यहाँ पर धूम्रपान गांजा भांग बीड़ी सब मना है सर, शुद्धता यहाँ हम लोग का शिविर का सबसे है, शुद्धता और कंवरिया की देखभाल। और ये जो शिविर है सर आप लोग पहली बार लगाए हैं किसके पहले भी? नहीं कंवरिया पट में लगा? नहीं कंवरिया पट में शिविर हमेशा लगता है, हमेशा लगता है, हर साल लगता है जी। और ये जो शिविर जिनके तरफ से लगाया जा रहा है उनके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब वो हमारे मुख्य ऐसे तो ऐसे तो देखिए महाकाल शिविर सब कार्यकर्ता के थ्रू ही चलता है जी, लेकिन मुख्य संरक्षक इसके श्री पवन कुमार सिंह जी हैं जी, वो आर्यावर्त राइडर एक है जो विश्व में साइकिलिंग का रेस वगैरह भी कई बार इनाम वगैरह जीते हैं जी, तो साइकिलिस्ट है। और दूसरे चीज जो भी बम डैमेज हो जाता है उनको कंधे का सपोर्ट दे करके बाबा धाम यहाँ से पहुँचाते हैं, तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और इतना अच्छा निःशुल्क सेवा दे रहे हैं कंवरियों के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कंवरियों के लिए जो कुछ कुछ यहाँ पर है जो मसाजर वगैरह भी यहाँ पर जो है उसकी भी व्यवस्था है, कुछ मशीन वगैरह है आप देख सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आप जानकारी ले लेते हैं। बेड होता है योगा बेस्ट कंपनी का बेड है वर्ल्ड लेवल का जी, इसमें मतलब बम को जितनी तकलीफें हैं जी, मोस्टली आपको कमर दर्द हो गया, गर्दन दर्द हो गया, पेट में गैस वगैरह है तो इसे लिम्फ वगैरह इससे शिकायत वगैरह होता है जी, और इसे मसाज होता है जी, तो कमर में जिसका प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग यहाँ से मैक्सिमम ठीक करके भेज देते हैं, अगर उनको चलने फिरने में असुविधा होती है। वाइब्रेटर मशीन है जी, पूरा शरीर का जितना आपका अंग जो है वो वाइब्रेट कर करके पूरा ब्लड का संचार कर देता है। जैसे यहाँ चेयर पर बैठ गए हम और यहाँ पर इसको हम ऐसे पैर लगा दिए, आराम भी कर रहे हैं, मसाज भी हो रहा है, दोनों काम हो जाएगा जी, तो ये सब जितना दर्द वगैरह जो होता है उससे निकल जाता है, पैर के दर्द के लिए ये मशीन जी जी। तरह से हम लोग 5 मशीनों जी, जब भीड़ होता है तो 5ों हम लोग चालू कर देते हैं। कांवर लेते हैं, कांवर लेने के बाद ऐसे सूख जाता है तो यहाँ पर इसको ऐसे हम मसाजर का काम करते हैं, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर छोटे छोटे और भी मशीन जो आप देख सकते हैं, कंधे वगैरह के लिए भी जो दर्द होगा उसके लिए भी यहाँ पर जो है मसाजर यहाँ पर, अलग अलग टाइप की मसाजर है, सर दर्द का भी है, किसी को कोरोना है कोरोना भी चेक करते हैं हम लोग। देखिए कोरोना कोरोना का भी चेक करने का मशीन रखे हैं यहाँ पर, अगर आ गया तो उससे 10 और इफेक्ट भी हो सकता है ना जी, तो मतलब क्या आप सबको चेक करेंगे मतलब जी, जी, उसके जी, बाद ही मतलब ये सब जो हल्का सा बुखार महसूस होता है मार देंगे। बीपी का देखिए ये मशीन है जी, ये मशीन है, तो यहाँ पर बीपी के लिए भी मशीन है और शुगर के लिए भी है, और देख सकते हैं कि बहुत सारे मसाजर भी है कंधे के लिए, ठीक है माथे के लिए, तो सब कुछ है, शुगर भी चेक हो जाएगा, तो काफी अच्छा व्यवस्था है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग पश्चिम बंगाल, पुरुलिया जिला।
पुरुलिया अच्छा। शिविर में जो बहुत सारी व्यवस्था है, अभी हम बात भी की है, बहुत सारा जो है खाने पीने का सब कुछ, तो अभी तो आप यहाँ पर आई हैं, अभी जस्ट 10 मिनट हुआ है यहाँ, तो अभी आप चाय पानी बाहर में मिल रहा था, लिए आप? नहीं लिए, सुने जो दे रहा है बाहर में, लेकिन जाएंगे अभी, तो अभी आप यहाँ पर रुकेंगे? हाँ रुकेंगे अभी, हमारे और कुछ आज और कुछ कवर बम सब है, और वेट कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ का जो शिविर है? बहुत साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग को तो रहने का ज्यादा इच्छा है इसमें, क्योंकि पहले बार इस साल पहले बार देख रहे हैं, तो मेरा हिसाब से रहना थोड़ा बढ़िया होगा यहाँ रहने के लिए। हाँ सोच रहे, चलिए सब है, सब हम लोग राहुल, आप लोग सब एक जगह से हैं? एक ही जगह से। चलिए सब एक ही जगह, एक बार बोलिए कस के बोल बा, बोल बा। जो भी यहाँ पर जानकारी मिली उसके हिसाब से जो है ये शिविर बहुत ही अच्छा है, निशुल्क व्यवस्था यहाँ पर मिल रही है कांवड़ियों के लिए, और बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा, साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो जो भी अभी कांवड़ यात्रा करने वाले हैं शिविर में जरूर आइएगा, जो कि इस रासनिक खिजुरिया के पास ये महाकाल शिविर बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये शिविर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हर हर महादेव।